नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। जब राजा से राज्य नहीं संभलता है तो वह ऐसे ही गुस्सा किया करता है। जब राजा के बनाए कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तब राजा को ऐसे ही गुस्सा आता है। जब राजा के निकम्मेपन को राज्य की बदहाल तस्वीरें बयां करती हैं, तब राजा ऐसे ही झिंझला जाता है। जब राजा से उसके किए दावे की हवा निकलने पर सवाल किया जाता है, तब राजा यूं ही अपना आपा खो देता है। जब राजा का हुक्म उसके प्रशासन के लोग नहीं मानते हैं तो गुस्सा आना लाजमी है साहब। जब कुर्सी की लालच में राजा का ध्यान सिर्फ पाला बदलने पर रहता है तो राज्य की तस्वीरें ऐसे ही बदहाल होती हैं और जनता ऐसे ही तराहिमाम करती रहती है। दरअसल बिहार के राजा को सत्ता का नशा लग गया है। जनता जब इस नशे से राजा को मुक्त करना चाहती है तो राजा किसी तरह पाला बदलकर अपने दिए हुए बयान के खिलाफ जाकर फिर से सत्ता के इस नशे की चोरी कर लेता है और फिर जनता उस राजा से आस लगाए बैठी रहती है शायद कहीं बदलाव हो जाए। लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि राजा को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। जनता मरती है तो मरने दीजिए। राजा सत्ता का अफीम चाट कर सो रहा है और जब उसे जगाया जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। दरअसल शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ना तो बिहार में शराब पीना बंद हुआ, ना ही शराब की तस्करी बंद हुई। और तो और अब लोग घर बैठे शराब मंगवा रहे हैं और पी भी रहे हैं। मतलब शराबबंदी कानून की विफलता के भी बहुत फायदे हैं बिहार में। लेकिन जब इसको लेकर सवाल उठता है तो आप खुद देखिए क्या होता है। पूरा मामला शराबबंदी से जुड़ा है। जब सारण में जहरीली शराब से मौत पर विपक्ष दलों के कुछ सदस्य सरकार को आगे आगे बढ़कर घेर रहे थे, शराबबंदी को फेल बता रहे थे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। इसी पर नीतीश हत्थे से उखड़ गए। भाजपा सदस्य की ओर उंगली उठाकर कहा, शराबबंदी के समय पक्ष में थे, क्या हो गया तुमको? अरे तुम बोल क्या रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ कर रहे हो। गुस्से में मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह सदन में तू तड़ाक किए जाने पर भाजपा भी आर पार के मूड में आ गई है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई से प्रतिपक्ष के नेता की बातों को हटाना और मुख्यमंत्री का इस तरह भाजपा विधायकों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए कहे। आपको बता दें कि बिहार में 11 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दरमियान एक तरफ मुख्यमंत्री ने महागठबंधन का 2025 का नेता तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है और दूसरी तरफ बिहार में बढ़े अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को घेरे हुए है। विपक्ष ने सारण में जहरीली शराब से मौत पर सीधे मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार के सारण जिले में फिर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से यह मौतें हुई हैं, लेकिन इस पर स्थानीय प्रशासन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भला इसमें क्या बोलेगा जब उसके निकम्मेपन की गवाही तस्वीरें खुद दे रही हो। बताया जा रहा है कि मशरक और सीमावर्ती इसवारपुर के डोलिया गांव में मंगलवार रात आधा दर्जन से ज्यादा लोग की तबीयत बिगड़ गई, फिर एक एक कर 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। जहरीली शराब की भनक लगते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सदर अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी ने सोमवार शाम में एक जगह पर शराब पी थी, इसके बाद मंगलवार के दिन से उनकी हालत बिगड़ने लगी। शाम में सभी को मसरक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के बाद छपरा रेफर किए जाने पर 5 लोगों की मौत हो गई,
जबकि एक का इलाज छपरा में चल रहा है, लेकिन आप सवाल मत पूछिए सुशासन बाबू, गुस्सा हो जाएंगे। बिहार में नल जल योजना का लाभ आपको नहीं मिले, आप कुछ मत बोलिए। बिहार में पूरा सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा रहे, आप सवाल मत उठाइए। बिहार में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को छिटकली और कीड़े परोसे जाए, लेकिन आप कुछ मत बोलिए। बिहार के भागलपुर में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी जाए, मगर सवाल नहीं होना चाहिए। बिहार में अपराध का राज कायम हो जाए, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत आप दिखा ही नहीं सकते। और अगर सवाल पूछ भी लिया तो बिहार के राजा जवाब नहीं देंगे, वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि सच यही है कि राजा से अब राज्य संभल नहीं रहा है और ना ही उनमें जवाब देने की हिम्मत बची है। बस आप उनकी तारीफ करते रहिए, बिहार में शायद कहीं सुशासन बाबू की माला जपने से बाहर आ जाए, उस दिन का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही आपने अब तक अगर हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।